देश में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाए जाने से व्यापारी बंदरगाह पर अटके अपने माल को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। सैकड़ों वाहन फंसे होने एवं अचानक सरकार के रोक के निर्णय से नाराज व्यापारियों ने दो दिन के लिए नीलामी में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। हालांकि जिला मुख्यालय और बिस्टान रोड स्थित मंडी में करीब 200 से अधिक वाहनों के जरिए किसान अपनी उपज लेकर पहुंच गए, जिनकी परेशानी देख मंगलवार को हड़ताली व्यापारियों ने खरीदी की। मंडी व्यापारी राकेश जैन ने बताया, अचानक निर्यात बंद करने से व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बंदरगाह पर हजारों गाड़ियां खड़ी हैं, जिसमें गेहूं लदा है। एक्सपोर्टर व्यापारियों के सौदे रद्द कर रहे हैं, भुगतान में भी संकट आ रहा है। इसी वजह से सकल अनाज दलहन तिलहन महासंघ के आह्वान पर खरीदी बंद रखने का निर्णय व्यापारियों ने लिया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज व्यापारियों ने अनाज व्यापारी महासंघ के आह्वान पर मंडी व्यापारी संघ खरगोन ने 17 और 18 दो दिन मंडी बंद रखने का आह्वान किया है। उसका कारण है कि वो भारत सरकार द्वारा अचानक निर्यात संबंधी जो नीतियां चेंज की गई, उससे काफ़ी व्यापारियों को तकलीफ हुई एवं वहाँ पर जो ट्रक वगैरह खड़ी है, लोडिंग मतलब खाली हो नहीं रही है। इस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है, उससे क्या व्यापारियों के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि किस प्रकार व्यापार करें। जैसे आपकी दो दिन की हड़ताल की, आपने मतलब अचानक हड़ताल की घोषणा होने से हमारी मंडी के अंदर करीबन 200 किसान आए हुए थे, और किसानों और मंडी प्रशासन द्वारा बात रखने के बाद में, ज्ञापन देने के बाद में उन्होंने कहा कि मंडी जो माल आया वो बेचना पड़े ताकि किसान परेशान ना हो। इस कारण से हम समस्त व्यापारियों ने बैठ के निर्णय लिया कि जो माल आया उसका नीलाम किया जाए। क्या मांग की आप? हमारी मांग ये है कि जो वहाँ पर गाड़ियाँ जो लोडिंग होकर गई हुई है समस्त मंडी मतलब पूरे ज़िले से गई हुई है, तो वो गाड़ियाँ कम से कम जो सौदे पहले दिए हुए हैं वो खाली हो, और वहाँ पर जो ट्रक वाले नाजायज परेशान हो रहे हैं और उससे जो तकलीफें हो रही है, पेमेंट की तकलीफें ये है सब, वो असमंजस की स्थिति बनी वो क्लियर हो। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी, अनाज मंडी व्यापारी संघ खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।